जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है, अभी हस जन पगली के बाद में तमाम जितनी भी फिल्म आई हैं उसमें से अगर एक आई लव यू फिल्म को हम अलग कर दें, छोड़ दें, थोड़ा सा साइड में रख दें, तो बाकी तमाम जितनी भी फिल्में आई हैं वो कुछ खास नहीं कर सकी हैं। फिर चाहे वो राजा भैया हो या रंगोबती हो या एक्सपेक्टेशन सबसे बहुत थी, क्योंकि खुद अनुज भैया, अनुज शर्मा जी हमारे जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं वो उसमें काम कर रहे थे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। हमको ही नहीं, छत्तीसगढ़ के तमाम सिनेमा वालों को, सिनेमा घर वालों को, इनफैक्ट मल्टीप्लेक्स वालों को कि फिल्म बड़ी बड़ी मतलब बड़े हीरो है, बड़ी बजट की फिल्म है और बहुत टाइम बाद अनुज भैया की कोई फिल्म आ रही है तो अच्छा प्रदर्शन करेगी, बहुत उम्मीदें थी। बट हस जन पगली के बाद में आई लव यू और उसके बाद में रिलीज़ तमाम फिल्में जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन भी नहीं कर पाई हैं, उसका सबसे बड़ा जो हमको एक ग्लिच लगता है वो ये कि जब बाहुबली फिल्म रिलीज़ हुई थी, बाहुबली जो साउथ की फिल्म थी प्रभास की, बाहुबली जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उसके बाद भी एक दौर ऐसा आया था कम से कम 2 महीने तक कोई भी बड़ी से बड़ी हिंदी फिल्म भी नहीं चल रही थी। उसके बाद में अर्जुन कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड रिलीज़ हुई थी श्रद्धा कपूर के साथ में, सरकार जो राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म है सरकार 3 रिलीज़ हुई थी वो भी नहीं चल पाई थी। तो ऐसा होता है जनरली कि जब एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है उसके बाद में आई तमाम फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं, लेकिन हस जन पगली के साथ वैसे ही था। हमको जो महसूस हुआ, जो बॉलीवुड फिल्मों के साथ जो हमको महसूस होता था, ऐसा नहीं है कि हस जन पगली के बाद में आई लव यू चली उसके बाद में कोई फिल्म अच्छी बनी नहीं, इसलिए नहीं चली। फिल्म सभी अच्छी बन रही थी। रंगोबती एक अपने टेस्ट की फिल्म थी, अलग फ्लेवर था। राजा भैया एक अपने टेस्ट की फिल्म थी, उसको दिवाली जैसा पीरियड भी हमने अपने सिनेमा घर में दिया था प्रदर्शन के लिए, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है जेटू साहू जी की, सलीम खान जी ने निर्देशन किया है उसका, सॉरी लव यू। सॉरी लव यू से बहुत उम्मीदें थी, उसको भी हमने 15 नवंबर को अपने सिनेमा घर में लगाई थी यहाँ श्याम सिनेमा रायपुर में, बट वो भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो फिल्म भी बहुत कमाल नहीं कर पाई जैसा उम्मीद थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चली, पब्लिक आई, रिस्पॉन्स मिला, लेकिन एक अच्छी फिल्म के साथ जो एक ट्रेंड लगा है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कि फिल्म के कलेक्शन बढ़ते हैं, दर्शक आते हैं, फिल्मों का रन बढ़ता है, वैसा कुछ इन इन तमाम फिल्मों में देखने को नहीं मिला। हालिया प्रदर्शित फिल्म लोरिक चंदा जो कि बहुत अच्छी बनी है, प्रेम चंद्राकर जी एक अरसे बाद डायरेक्शन में वापस लौटे हैं, ममता चंद्राकर जी ने उसमें अपना मधुर संगीत दिया है, स्वर दिया है, तो ममता चंद्राकर जी ने बहुत अच्छा मतलब उसमें संगीत दिया है, अपने बोल दिए हैं, तो बहुत टाइम बाद एक अच्छी फिल्म दर्शकों को फिर से देखने को मिली, लोरिक चंदा। लेकिन उसके साथ भी बात ये रही कि दर्शक सिनेमा घर तक आने में असहमत थे, आ नहीं पाए। एक और फिल्म आई थी मंदरा जी करण खान की, वो भी क्रिटिकली बहुत अच्छी एक्लेम थी फिल्म, उसको भी काबिले तारीफ बनी थी वो भी फिल्म, लेकिन उसमें भी दर्शक आ नहीं रहे। ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बट दर्शक सिनेमा हॉल तक आने में असहमत हैं, आ नहीं रहे हैं सिनेमा हॉल तक। ऐसा नहीं है कि सिनेमा हॉल वाले प्राथमिकता से छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाते तो लोरिक चंदा को स्पेस मिलना मुश्किल रहता, मंदरा जी को स्पेस मिलना मुश्किल रहता, सॉरी लव यू जान, रंगोबती, राजा भैया, हम लोग तमाम फिल्में लगा रहे हैं, लेकिन बस यही है, दुख इस बात का है कि पब्लिक आ नहीं रही है, जबकि पिक्चर क्वालिटी और बेटर हुई है, प्रोडक्शन वैल्यू और अच्छी हुई है, प्रोड्यूसर्स नए नए प्रोड्यूसर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एक तरीके का एक बुरा दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, मैं ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को मैं जानता हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्में भी मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि फिल्में अच्छी रही तो चलती हैं, लेकिन फिल्में अच्छी होने के बाद भी नहीं चलती हैं तो ये ज़रूर एक तरीके का एक बुरा दौर है, एक ख़राब दौर है, बट ये समय भी निकल जाएगा और वापस से अच्छे दिन आएंगे, इसकी भी मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं चल रही है तो बॉलीवुड बहुत अच्छे से चल रही है, बिल्कुल नहीं। कमांडो फिल्म भी फ्लॉप हुई है, अभी पानीपत आ रही है अर्जुन कपूर की, उसका क्या होगा भगवान जाने, तो हिंदी भी नहीं चल पा रही है तो बॉलीवुड भी नहीं चल रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि दर्शकों का मूड कुछ अलग सा है फिल्मों के प्रति, फिर चाहे वो रीजनल कंटेंट हो या बॉलीवुड कंटेंट हो या हॉलीवुड कंटेंट हो, उम्मीद करता हूँ कि आगे फिल्मों का प्रदर्शन अच्छा होगा, दर्शक हर छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वैसे ही प्यार देंगे जैसा उन्होंने हस जन पगली फस जाबे
महू कुआरा तहू कुआरी और आई लव यू टू पे जैसा प्यार अपना बनाया हुआ था, उम्मीद है आगे वैसी प्यार हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा। थैंक यू सो मच।